हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, इस समय हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग के ना इस समय 5 बज रहे हैं। तो 4:30 बजे मैं उठ गई थी, और उसके बाद जो है मैं छत में चली गई थी। तो छत में थोड़ी देर मैंने वहाँ वॉक किया, और आज मैं वैसे उठ गई 4:30 बजे। कभी मैं 4:45 या 5 ऐसे भी उठती हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और लेकिन यह है कि हस्बैंड जो है वो 4:30 बजे उठ ही जाते हैं, और उठ करके फिर नहा के ना वो ऊपर पूजा करने गए हैं, तो फिर उनके साथ साथ ही मैं भी उठ जाती हूँ। और कभी ये होता है कि चलो 5-10 मिनट थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन हम मतलब साथ ही उठ जाते हैं। और घूमने का ऐसा होता है ना, वो होता है घर के काम पे डिपेंड करता है, कि अगर मुझे ज़्यादा टाइम होता है तो मैं घूम लेती हूँ 15-20 मिनट, अगर नहीं होता है तो 5-10 मिनट घूम लेती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ा सा एकदम से उठ करके काम पे लगने का मन भी नहीं करता है कि एकदम से काम करो, तो कम से कम 5-10 मिनट थोड़ा सा मैं टहल लेती हूँ, चाहे बालकनी में आ जाऊँ चाहे छत में चले जाऊँ। और उससे ये होता है थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, और जो है काम करने के लिए एनर्जी मिल जाती है। और उसके बाद तो फिर पूरे दिन घर का ही काम करना होता है, बस इतना सा टाइम थोड़ा सा अपने लिए देना ज़रूरी होता है। और उसके बाद यहाँ पे ना ये अदरक वाली जो है, हम लोग ना सुबह जो है दूध की चाय नहीं पीते हैं कभी भी नहीं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सुबह उठ करके दूध की चाय पीनी है, तो हम सिर्फ अदरक और तुलसी का जो पानी है ना बस वो ही पीते हैं, और उसे भी मतलब गुड़ के साथ पीते हैं। तो ये हमारी डेली हैबिट है, चाहे गर्मी हो जाड़ा हो कुछ भी हो, मतलब तो ये जो है हमारी जो चाय है वो यही वाली रहती है सुबह। तो उसके बाद फिर सीधे ना मैं नहाने चली गई थी, नहा करके फिर मैं आई, और उसके बाद जो है तो हस्बैंड भी इधर पूजा करके आ गए थे नीचे। तो यहाँ पे जो है फिर मैंने जो तैयारी थी ना वो रात से ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है कि सुबह सब्जी काटो या हर चीज़ मतलब सुबह करो। तो मैं जो है शाम से ही सारी तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी बच्चों को जाना होता है 6:30 बजे, इस वजह से। और यहाँ पे जो है मैंने जो सब्ज़ी काटी थी ना रात को, तो वो मैं चढ़ा दूँगी। आज मैं इसको फ्रिज से निकालना भूल गई थी, नहीं तो मैं इसको फ्रिज से निकाल देती हूँ। कम से कम 10-15 मिनट इसको जब हो जाते हैं तो उसके बाद ही मैं इसे बनाती हूँ, और लेकिन आज भूल गई थी तो फिर अभी मैंने निकाली है। और उसके बाद जो है यहाँ पे पत्ता गोभी और आलू की सब्जी मैं बना रही हूँ, और बस मैं सब्जी जो है हींग और जीरा डाला था, उसके बाद सारे जो बेसिक मसाले हैं वो, और थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए, क्योंकि थोड़ा सा स्कूल के लिए ना बच्चों को थोड़ा सा कलर भी चाहिए होता है देखने के लिए, कि थोड़ा सा सब्ज़ी में अच्छा सा कलर आ जाएगा इस वजह से। और बाकी उसके बाद इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी। और अभी मैंने इसमें ना टमाटर ऐड नहीं किया है, क्योंकि फिर एकदम से आलू पकने में टाइम लगता है, तो वो मैं बाद में ऐड कर दूंगी जब पक जाएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे फटाफट से मैं आटा गूंथ दूंगी, और यहाँ पे जो है डाइनिंग टेबल के ऊपर सारा जो सामान है ना वो अभी ऐसे ही रखा हुआ है। तो कल ग्रॉसरी का सामान लेकर के आए थे ना हम लोग, तो उसके बाद जो है फिर मुझे अरेंज करने का टाइम मिला नहीं था, लेट हो गया था रात को, तो फिर मैंने सोचा इसको अगले दिन ही करूँगी आराम से। और उसके बाद किचन में थोड़ा बहुत चेंजेज भी करने थे इस वजह से। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड जी अपनी चाय पी रहे हैं, इस समय उन्होंने तुलसी के पत्ते उसमें डाल दिए हैं, क्योंकि ना सुबह के टाइम पे अंधेरा हो रहा था, तो फिर उस समय जो है तोड़े नहीं थे मैंने सुबह के टाइम पे, तो फिर बाद में जब वो पूजा करके नीचे आए थे उसके बाद फिर ले आए थे ऊपर से। तो सुबह के टाइम पे ना ये अदरक तुलसी और जो मेरा जो मसाला मैंने घर पे बनाया हुआ है ना, जो दालचीनी का और लौंग काली मिर्च और बहुत चीज़ें मैंने उसमें ऐड करी है, तो बस थोड़ा सा मैं वो उसमें डाल देती हूँ, बस वो ही हम लोग सुबह पीते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम लोगों को तो हैबिट बन चुकी है, तो हमें गर्मी हो या जाड़ा हो बरसात हो कुछ भी हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये गर्म है, तो हम थोड़ा सा मतलब डाल देती हूँ मैं उसे चाय में, और बस बाकी और कुछ भी नहीं डालती हूँ उसमें। सिर्फ थोड़ा सा अगर ज़रूरत है तो गुड़ ले लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही पी लेते हैं उसको। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना दूंगी फटाफट से रोटियाँ, और दक्षु तो पराठे स्कूल ले जाता है, और शिवांश जो है वो ले जाएगा रोटी, क्योंकि वो पराठे खाता नहीं है। और बच्चों की ना अपनी अपनी आदतें होती हैं, तो किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता है। और वैसे भी ना रोटी सब्जी काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है सुबह बनाना, और जब सैटरडे होता है कोई और चीज़ बनाओ ना तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है उसमें, और रोटी सब्जी तो ये है कि आराम से मतलब 15-20 मिनट में बन जाएगी अगर आपकी सब्जी कटी हुई है तो। और सुबह तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाली सब्ज़ी मैं बनाती हूँ, बस इसी तरीके की सब्ज़ियाँ जो है सुबह बनती हैं। और यहाँ पे जो है बच्चों को नाश्ता दे दूँगी मैं, तो फटाफट से बच्चे नाश्ता कर लेंगे, और उसके बाद इनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के लिए भी रोटियाँ बना के रख दी हैं, क्योंकि ना बस थोड़ा सा ही अंतर रहता है 10-15 मिनट का, तो उसके बाद जो है बच्चों के जाने के बाद फिर वो भी नाश्ता कर लेते हैं। तो फिर जब मैं बनाई रही थी तो मैंने साथ ही बना के रख दिया था, रोटियाँ गर्म ही रहती हैं। इधर बच्चों के टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिए हैं, उनको दे दूँगी। और उसके बाद फिर हस्बैंड जी तो अभी नीचे नाश्ता कर रहे हैं, और उसके बाद मैं जो है यहाँ पे आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम मुझे भी ऐसा लगता है ना कि जितनी जल्दी घर के काम हो जाए तो सही रहता है, और उसके बाद फिर जो है अगर बैठ जाओ ना तो फिर उठने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी, और उसके बाद बाहर जो है सूर्य भगवान जी को जल दे दूँगी, तुलसी माता को जो है दिया दे दूँगी।
तो सुबह का मेरा जो पूजा का रूटीन होता है ना, कुछ ऐसा ही रहता है। तो मुझे भी 15-20 मिनट लग जाते हैं यहाँ मंदिर में पूजा करने में। तो पूजा मेरी हो गई थी, उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं छत में इधर कपड़े भी मुझे डालने थे, तो मैं आपको दिखा रही थी प्यारा सा फूल यहाँ पे आया है गुड़हल का। तो 3-4 फूल इसमें लग चुके हैं जब से मैं इसे लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये कलर, और गुड़हल भी बहुत सुंदर लगता है। तो फिर मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, और उसके बाद ना फिर मैं इसको तोड़ के चढ़ा देती हूँ भगवान जी को, नहीं तो फिर ना ये ऐसे गिरने लग जाते हैं जो गुड़हल हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है फटाफट से कपड़े डाल दूंगी मैं। तो ये कपड़े ना कल के थे, तो कल ये बारिश की वजह से सूख नहीं पाए थे, तो अभी तो मैंने मशीन में लगाए हैं कपड़े, और उसके बाद जो कल वाले कपड़े हैं उनको मैं डाल दूंगी यहाँ पे। और सुबह के टाइम पे बारिश हुई होगी ना यहाँ पे, तो छत जो है सारी इस समय गीली सी हो रही है, और अभी धूप आएगी तो उसके बाद सूख जाएगी। और यहाँ पे देखिए मेरा चौलाई का पेड़ जो मैंने लगाया था ये, और अच्छा सा ये फैल गया है, क्योंकि मैंने बीच में ना तोड़ दिए थे, तोड़ के कहते हैं कि और ज़्यादा फैलती है ये। तो जब घर में उगती है ना, तो कभी जैसे कढ़ी बनाओ तो उसमें हरी सब्जी की पकौड़ी डालो ना, तो मैं तोड़ ले जाती हूँ, उसमें काम आते हैं। और यहाँ पे देखिए गेठी की बेल जो है ये जा रही है ऊपर को, तो जो पहाड़ी लोग होंगे ना वो ज़रूर पहचानते होंगे कि गेठी की सब्ज़ी कैसी होती है, जाड़ों में उसे खाते हैं। और अगर हमारे यहाँ लंगूरों से बच गई ना, तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी, और नहीं तो यहाँ ना लंगूर कुछ भी नहीं रहने देते हैं। और मौसम जो है आज का बहुत ही अच्छा हो रहा है। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, तो यहाँ पे जो है हस्बैंड जी अपने जाने के लिए तैयार हो गए हैं, बैग उनका पैक हो चुका है, और जो है हल्की फुल्की सी जो सेटिंग है वो भी हो चुकी है यहाँ पे। तो ये वाला कमरा तो खैर साफ़ ही रहता है, क्योंकि बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद फिर मैंने उनकी हैबिट ऐसी बनाई है कि मतलब अपना जो कमरा है उसे साफ़ करो, तो कभी तो कर देते हैं बच्चे, कभी नहीं करते हैं, बच्चे का कुछ पता नहीं रहता है। और उसके बाद जो है हस्बैंड जी भी चले जाएंगे, तो सबके जाने के बाद फिर स्टार्ट होते हैं घर के काम। तो 7:30 बजे का टाइम इस समय हो रहा है, और पूजा मेरी हो गई है, बाकी नाश्ता भी बन चुका है, और किचन जो है वो मैंने साफ़ कर दी थी, बर्तन भी वहाँ के वॉश कर दिए थे। और उसके बाद मैंने लगाया झाड़ू, क्योंकि झाड़ू मैंने वीडियो में दिखाया नहीं, स्किप कर दिया था, क्योंकि ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, और फिर झाड़ू भी काफ़ी ज़्यादा लगाना था, नीचे तक लगाना था मुझे, क्योंकि आजकल ना बच्चे जूते पहन के ऊपर ही आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मिट्टी इसमें हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि आजकल मुझे एक दिन भी स्किप करना पड़े, तो सीढ़ियाँ मुझे लगभग नीचे की रोज़ ही साफ़ करनी पड़ती हैं, और नहीं तो अगर नहीं करूँगी तो फिर जो मिट्टी है ना वो सब नीचे ही रह जाती है। और उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी, तो पोछा जो है मैं बार बार ना बाहर पे बाल्टी रखी हुई है, तो उसमें ना पानी आ जाता है एसी का, तो मैं उसी को यूज कर लेती हूँ, उसी से धो धो के बार बार पोछे को इस तरीके से लगाती रहती हूँ। तो सब जगह पे मैंने पोछा लगा दिया है सारे कमरों में। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर सीढ़ियों में पोछा लगाने के लिए, और बस मैं यहीं तक ही लगाऊंगी, क्योंकि नीचे मैंने सफाई कर दी थी, वहाँ पे झाड़ू लगा दिया था सारा, और वहाँ उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये होता है कि ज़्यादा हम रहते नहीं हैं वहाँ पर, तो उतना ज़्यादा गंदा भी होता नहीं है, बस सिर्फ सीढ़ियाँ ही गंदी होती हैं, तो फिर वहाँ पर मैंने लगा दिया था। और उसके बाद मुझे जो ग्रॉसरी है इसको अरेंज करके रखना है अच्छे से, तो काम मैंने सारा कर लिया है इस वजह से, क्योंकि ना घर के काम अगर टाइम से हो जाते हैं तो सब कामों के लिए टाइम भी मिल जाता है। यहाँ पे रखी है गाय के लिए रोटियाँ, तो आजकल गाय जो है कभी दिखती है कभी दिखती नहीं है, तो रोज़ की मैं एक रोटी निकालती हूँ ना तो इकट्ठा हो जाती हैं, तो कुछ इस तरीके का ही रहता है मेरा जो रोज़ का मॉर्निंग का रूटीन होता है, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो ये रोज़ के ही काम ऐसे होते हैं। और तो फ्रेंड्स ये था मेरा मॉर्निंग जो रूटीन है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।